भगवान का भजन कीजिए, आपका कल्याण इसी में है। भगवान से दूर भागोगे तो आपके पास कुछ भी हो जाए, धन पैदा हो जाए, जन पैदा हो जाए, पद पैदा हो जाए, एरोप्लेन आ जाए आपके घर में, ट्रेन आपकी दौड़ने लगे अमेरिका में, आपके नाम से पूरे विश्व में वाह वाह कर रहे हो लोग, कुछ फल नहीं मिलेगा, सुखी भी नहीं हो सकते। सुखी तभी होंगे जब भगवान का हम स्मरण करेंगे, उनके नाम का उच्चारण करेंगे, हरे नाम एव केवलम। कलयुग में आब्रह्म पर्यंत सर्वत्रम सर्वमायामयम जगत, सारा जगत माया स्वरूप से है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक माया यानी ब्रह्म, इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, ये सब माया है। काचायाम विस्मृताम रत्नाम, काचों के टुकड़े के बदले आप असली हीरे को भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पछताना पड़ेगा। हीरा क्या है? हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनेभ्यो अपि पावनम, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम। हरि का नाम ही आप अति मंगलकारी है, मंगल करने वालों में अति मंगलकर्ता भगवान श्री कृष्ण का नाम है। भजो श्री कृष्णा, लाओ श्री कृष्णा, कहो श्री कृष्णा को नाम रे, जो कोई श्री कृष्णा बोले वो है मेरे प्राण रे। चैतन्य महाप्रभु जी गा रहे हैं सड़कों पर, गांवों में, गलियों में, कहो श्री कृष्णा। अरे मेरे भाई, कृष्ण कहो, कहो श्री कृष्णा, लाओ श्री कृष्णा, कृष्ण का नाम लो, भजो श्री कृष्णा को नाम रे, कृष्ण का नाम का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो। जो कोई श्री कृष्णा बोले वो है मेरे प्राण रे, जो कोई एक बार भी मुख से कृष्ण बोले वो मेरे आके गले लग जाए, वो मेरा प्राण स्वरूप है। कृष्ण कहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मुक्त हो जाओगे एक बार कृष्ण कहने से। संभव, यदि तन मन से एक बार भी कृष्ण कहें, वो भी आपको दुर्गति से बचा सकते हैं, सुगति मिल सकती है। बड़े से बड़े खतरनाक मोड़ से आप बच सकते हैं। एक बार कृष्ण कहने से तो अजामिल का उद्धार हो गया, एक ही बार कहा था नारायण, एक बार कहा था, लेकिन तन मन धन से कहा था, असहाय रूप में कहा था कि गोविंद मृत्यु सामने खड़ी है, रक्षा करो नारायण। एक बार नारायण उच्चारण करने से अंतमता सुगता, नारायण के धाम में चले गए अजामिल, महापापी अजामिल। एक बार
गाओ श्री कृष्णा। यमयम वापी स्मरम भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेयो तदास। हे अर्जुन, मरते समय ये प्राणी जिन जिन भावों का स्मरण करता है उनमें ही चला जाता है। अंतमता सोगत, अंत में आपकी बुद्धि, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी भावना कहां पर स्थिर हुई है वो जगह आपको मिल जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका वर्णन किया है, जिक्र किया है कि अंत समय नारायण सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो उसको नारायण मिल जाते हैं। जहां जिसको आप सुमरोगे वही आपको मिल जाएगा अंत समय। तो कोई सोचे कि अंत समय में इस कह लेंगे फिर कृष्ण या नारायण या गोविंद, तो यह असंभव हो जाएगा। संत पुरुष कहते हैं कि असंभव है, आपने जीवन भर जो अभ्यास किया होगा वही अंत समय में आपके सामने होगा। आपने पत्नी से जीवन भर अत्यंत प्रेम किया है कि मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी देव, तो पत्नी ही याद आएगी अंत समय, नारायण नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पत्नी से प्रेम नहीं करो, नहीं, पत्नी के हृदय में भी नारायण विराजमान है, ऐसे जान करके पत्नी को भी प्रेम करो, अपने कुत्ते को भी प्रेम करो, अपने बेटे को भी प्रेम करो, यही जानकर अपने पौधों को भी प्रेम करो, किसी दूसरे जानवरों को भी प्रेम करो कि सबके हृदय में नारायण है। तो अंत समय में नारायण की स्मृति आपकी ताजा बनी रहेगी, फिर आप समझ जाएंगे कि नारायण ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा, तो अंत समय में मुझे नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो तब आप कह सकते हैं अजामिल की तरह कि नारायण, तो आप नारायण के धाम में जाएंगे, नारायण को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक दूसरे अध्याय में कहा, यम यम वापी स्मरम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती नंदन, अंत समय में ये प्राणी जिन जिन का भी स्मरण करता है, जिन भावों में होता है, उनको ही ये प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि अंत समय में अपनी जमा की हुई संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन, बैंक बैलेंस याद आ रहा हो और शरीर छूट गया हो तो उसको ही उसको प्राप्त करने के लिए भी कोबरा की योनि मिलती है। गरुड़ पुराण भी इसका प्रमाण देता है, नाग बन के भी वो आदमी नाग बन के भी उस प्रॉपर्टी का पहरा देता है, वो धन का पहरा देता है, उसके धन की इच्छा में रहता है कि ये मेरा धन है, ये सत्य है। भगवान को याद करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, प्रत्येक कदम पर उनके ही दर्शन करने चाहिए, सर्वत्र वो ही है, सब जगह समाये हुए, ही द ओमनी प्रेजेंट। अल्फा एंड ओमेगा, ओमनी साइंट, ओमनीपोटेंस, वो ही है, सर्वत्र उन्हीं की शक्ति है, कण कण में उनकी शक्ति है, जिस कण से अणु बम बनता है वो कण के अंदर भी उनकी शक्ति है, वो विद्यमान है शक्ति स्वरूप से। सर्वत्र वो है, हरि हमारे हमेश हरदम, हरेक सह में झलक रहे हैं, जो उनको गुलशन में जाकर देखा हरेक गुल में महक रहे हैं, फूलों में उन्हीं की खुशबू है, ये धरती में गंध भगवान की है,
भगवान की याद दिलाती है। जल का स्वाद भगवान की याद दिलाता है। अग्नि का तेज भगवान की याद दिलाता है। वायु का स्पर्श भगवान की याद दिलाता है। आकाश का शब्द भगवान की याद दिलाता है। ओम, जैसे हिंदू को ओम लिखा हुआ भी दिखला दो तो भगवान की याद आ जाती है, सिख को भी भगवान की याद आ जाती है ओम दिखाने से। वही ओम बिगड़ के आमीन बना, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम में आमीन। ओम ये भगवान का संबोधन है, भगवान को पुकारने का। ओम काराय नमो नमः, एक ओंकार सतना। ओम भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है, गोविंद का नाम है। भगवान की शरण लेना चाहिए। भगवान से दूर रहेंगे हम दुखी रहेंगे, सुखी नहीं। भगवान को प्रणाम करके उनको धन्यवाद करना चाहिए, खाने के वक्त, पीने के वक्त, आने जाने के वक्त, नहाने धोने के वक्त। कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो भगवान की याद आनी चाहिए हमें। कोई सुंदर खिला हुआ फूल देखते हैं तो भगवान की याद आनी चाहिए हमें। उदय होता हुआ सूर्य देखते हैं, पूर्णमासी का चंद्रमा और द्वितीय का चंद्रमा, जो भी चंद्रमा और तारे देखते हैं, भगवान को हमको याद आना चाहिए। कौन बनाता है, कौन है इसका कर्ता, हम या वैज्ञानिक? नहीं, सारा तो भगवान का खेल है। देवी देवता भी उन्होंने बनाए हैं, उनकी लीला है। पत्ते पत्ते पर उनके हस्ताक्षर हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। पत्ते पत्ते के हस्ताक्षर हैं और वृक्ष और पौधों में भी वो विराजे हुए हैं तो इनको प्रणाम करनी चाहिए परमात्मा को। सर्वत्र हो है हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी के हृदय में मेरा वास है अर्जुन। भगवान की शरण सुखदाई है। अर्जुन को जब इतनी बात भगवान ने बोली तो अर्जुन ने भगवान को पूर्ण रूप से परमेश्वर स्वीकार किया। ये आगे आने वाले श्लोकों में आएगा। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, परमम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आउस्त्वाम ऋषिय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीसि मे। परम धामम, अर्जुन ने भगवान को परम धाम कह के संबोधित किया। परम लक्ष्य परम धाम। धाम कहते हैं जहां लोगों की भीड़ जिस वस्तु को देखने के लिए चली आती है। जैसे कोई महात्मा प्रकाशवान हो जाए किसी क्षेत्र में तो सारा जग उनके दर्शन को चला आता है, तो जगह ही धाम बन जाती है। ये परम धाम कह के संबोधित कर रहा है अर्जुन कि आप परम धाम हैं, आपसे बड़ा धाम कहां मिलेगा, आपके चरणों में सभी आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सभी आपके दर्शनों को तरसते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं। अनंत लक्ष्मी आपके दर्शनों को पंक्तिबद्ध होकर खड़ी होती हैं। हे गोविंद आप परम धाम हैं। परम धामम
परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। अर्जुन को पूर्ण रूप से यह श्रद्धा पैदा हो गई, विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, इसके सिवा कुछ हो नहीं सकते। परमेश्वर से तनिक भी कम नहीं हो सकते, ये स्वयं परमेश्वर है। तो अर्जुन के मुख से, अब अर्जुन के हृदय से ये वाणी फूटने लगी कि आप परमेश्वर हैं। अर्जुन पहचान गया, अर्जुन पहचान गया भगवान को कि ये परमेश्वर है, कि अर्जुन के सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और अर्जुन को तत्व ज्ञान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके लेकिन तू भूल जाता है, मुझे सब याद है। बहुनी मे व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानम वेद सर्वाणी ना त्वम वेद परंतप। हे अर्जुन, तू भूल जाता है बार बार और मुझे सब याद है। ये ज्ञान मैंने कभी सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य लोक के राजा विभीष्वानु को दिया था, विभीष्वानु ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, जो इक्ष्वाकु महाराज श्री रामचंद्र भगवान के सूर्य वंश कुल में थे, भगवान श्री राम से भी पहले। इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है जहां श्री राम का जन्म हुआ, प्राकट हुआ। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु सकाले नेह मेहता योगो नष्ट परंत। हे परंतप, हे अर्जुन, समय के प्रभाव से आज द्वापर में वह ज्ञान जो मैंने सूर्य लोक के राजा विभीष्वान को दिया था वो प्राय लुप्त हो गया है। वो परंपरा से राजऋषियों ने जाना और अपनी जनता को जनाया, वही पुराना प्राचीन सनातन ज्ञान मैं आज तुम्हें फिर पुनः देने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन को कहा, यहां अर्जुन दसवें अध्याय में आकर पूर्ण रूप से भगवान को परमेश्वर स्वीकार करते हैं। अर्जुन निष्कपट निश्चल निर्मल आत्मा है, तब तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र बने हुए। भगवान अर्जुन के अंतरंग सखा है, इस द्वापर युग के ही नहीं। अंतरंग सखा का मतलब ही है कि जिस धाम में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उसी धाम से भगवान की लीला में सहयोग देने अर्जुन आए हुए हैं धरा धाम पर। विभिन्न दिशाओं से विभिन्न भगवान के शुद्ध भक्त और परम धाम के भक्त, यहां तक कि अष्ट गोपियां और अष्ट ग्वाल, ये भगवान के परम धाम से आए, जिन्होंने अलग अलग घरों में, अहीर यादवों के घरों में जन्म लिया और देवलोकों में जन्म लिया, अर्जुन जैसे इंद्र के पुत्र बन के प्रकट हुए। अर्जुन भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के धाम में रहते हैं और भगवान अनेकों बार अर्जुन को लेकर के प्रकट हुए हैं अनेक पृथ्वियों पर। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानम वेद सर्वाणी ना त्वम वेद परंत। अर्जुन आत्मा है, भगवान का अंश है। आत्मा